जब भी एक बड़ी लीग होने वाली होती है आलिया, तो उसमें स्क्वाड को ड्राफ्ट करना बहुत वैल्यूबल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्क्वाड किस तरह बनना चाहिए एक लीग की टीम का, उसकी मास्टर क्लास है इनका स्क्वाड अगर हम देखें तो। जी बिल्कुल बिल्कुल है, और मुझे एक बहुत खुशी इस बात की हुई थी रानिश कि इन्होंने हसन नवाज को पिक किया है। और उसके अलावा आपको पता है कि बैटिंग पे ये हेविली रिलाय करते हैं, इनकी स्ट्रेंथ है ये अग्रेसिव बैटिंग। टॉप ऑर्डर जो है उसमें आप देख लीजिए कि जैसे हेल्स हैं, मनरो हैं, स्टर्लिंग है, और इस तरह ये तो है ही, लेकिन और बीच में जो इनकी मिडिल ऑर्डर है वो भी बड़ा जूसी है बाय द वे, कि आजम है, मोइन अली शायद अब इनको अवेलेबल नहीं है, शादाब है, आसिफ है, फहीम है, स्पिन का डिपार्टमेंट भी अच्छा है, लेकिन रेहान की मौजूदगी का फायदा उठाते हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि इनकी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो रन काफी लीक करते हैं, ये हमेशा से हम नोट करते आ रहे हैं। इस दफा हसन अली की भी फॉर्म वो नहीं है, वसीम जूनियर जो है वो बहुत अच्छा प्रीवियसली भी परफॉर्म नहीं कर सके हैं, तो दिशांत समीर जो है वो इंजरी प्रोन लगते हैं। उसके अलावा इनकी जो बहुत अच्छी पिक है वो फजल फारूकी है, फजल हक फारूकी, जो कि मेरा ख्याल है बोथ साइड स्विंग कर लेते हैं, और वो बहुत, लेकिन उसके बावजूद ये पूछें कि क्या ये रिलायबल अटैक है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। आपकी आवाज पहुंच गई जी रेहान। बिल्कुल, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन टू आस्क। पहले तो मैं इसको एड्रेस इस तरह करूं कि हम एक सीजन के ऊपर अगर कभी भी जाएंगे तो कभी किसी का एक सीजन अच्छा जाता है, एक बुरा जाता है। तो PSL 6 की अगर हम एग्जांपल लें, जिसमें भी 1/8 out of 10 ग्रुप स्टेज मैचेस, तो उसमें हमारे जो दो बेस्ट डेथ ओवर्स बॉलर थ्रू आउट द टूर्नामेंट थे वो वसीम जूनियर और हसन थे। दोनों की परफॉर्मेंस लास्ट ईयर उतनी अच्छी नहीं रही। जो आपने बात की उस पर मैं सिर्फ ये कहूंगा कि बहुत आसान होता है, जब भी टीम जीती है तो मैनेजमेंट उसका क्रेडिट ले लेती है कि जी देखिए हमने कितनी अच्छी टीम बनाई और देखिए हमने कितने कमाल प्लेयर्स पिक किए, लेकिन जब टीम हारती है तो सारा ब्लेम प्लेयर्स पे चला जाता है। हो सकता है हमारी प्लानिंग इतनी अच्छी ना हो सकता है हमारी प्लानिंग लास्ट ईयर उस लेवल की ना हो जो जिस लेवल की होनी चाहिए थी, और इस साल हम उस पर बहुत काम करें इन टर्म्स ऑफ द प्लानिंग वी डू विद हसन, द प्लानिंग वी डू विद वसीम जूनियर। तो और दूसरा, आपने बहुत अच्छी बात की रिगार्डिंग फॉरन, इस साल हमने फॉरन बॉलर्स काफ़ी पिक किए हैं, तो टाइमल मिल्स जो कि दुनिया के बेस्ट डेथ बॉलर्स में माने जाते हैं उनको हमने पिक किया है, वो सेकेंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट और प्ले ऑफ के लिए फुली अवेलेबल होंगे। उसके अलावा गस एटकिंस हैं, वो नई बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग करवाते हैं। फजल हक फारूकी की आपने बात की, तो हमने सप्लीमेंट किया है अपने स्क्वाड को इस तरह से कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे लोकल प्लेयर्स की फॉर्म अप एंड डाउन आती है बॉलर्स की, तो हम फॉरेन बॉलर्स उन पर रिप्लेस करते हैं, एंड देन समवन लाइक हसन नवाज कैन गो इन एंड बैट एट द टॉप ऑर्डर, बिकॉज हसन नवाज की वही आइडेंटिटी है। आपने हसन नवाज की बात की, तो मैं सबको ये ऑन रिकॉर्ड बताता चलूँ कि कॉलिन मनरो जो है उनका इस साल मेंटोर का रोल भी और बैटिंग कंसल्टेंट का भी, तो वो उन्होंने हसन नवाज की कुछ क्लिप्स देखी, तो ही इज रियली रियली एक्साइटेड टू वर्क विद हसन नवाज। वो कह रहे हैं कि इसमें सारा टैलेंट है, इसको सिर्फ ये बताना है कि डरना नहीं है, प्ले विद फ्रीडम, एंजॉय योर सेल्फ, एंड इवन इफ ही डजंट प्ले अ सिंगल मैच तो इवन देन ही वांट्स टू वर्क ऑन हिम। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि एक टॉप ऑर्डर बैटर पाकिस्तान का, वो जो उस स्टाइल की क्रिकेट खेलता है, उसको हेल्स, मनरो, स्टर्लिंग जैसे प्लेयर से सीखने को मिलेगा इस PSL में। बिल्कुल, यंग टैलेंट की डेवलपमेंट को लेकर तो हम भी बड़े एक्साइटेड हैं रेहान, और यही फायदा हमें PSL से होता आया है गुज़िश्ता 7 सालों में। अज़र महमूद भी हमारे साथ मौजूद है, हम फॉरन पिक्स की बात कर ही रहे हैं, तो हम बॉलिंग डिपार्टमेंट के साथ साथ बैटिंग डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। अज़र, अभी तक हम देखते आए हैं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एलेक्स हेल्स का, स्टर्लिंग का, मनरो का, टॉप ऑर्डर में खासे रन बनाए थे इन्होंने पिछले सीजन में भी आपके लिए, अब की बार भी यही फ्रंट से टॉप ऑर्डर में लीड कर रहे होंगे या कुछ और नई स्ट्रेटजीज और प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे रेहान कह रहे हैं कि हसन नवाज को भी यूटिलाइज किया जा सकता है? जी डेफिनेटली, अगर आप इस्लामाबाद का देखें तो इस्लामाबाद की सक्सेस में हमेशा से यही रहा है कि फॉरेन प्लेयर जो है टॉप ऑर्डर पे जो है हमारा जो है हमेशा से ही उनकी कारकर्दगी हमारे लिए अच्छी रही है, चाहे वो एलेक्स हेल्स हो, मनरो हो, स्टर्लिंग हो, तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस्लामाबाद की जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का काफी अरसे से हिस्सा हैं, तो डेफिनेटली इनका अपना रोल होगा। उसके बाद जो है हमारा जो लोकल टैलेंट है, जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, उनका भी रोल डेफिनेटली होगा। अगर आप इस साल देखें तो हमने अपनी जो है नॉर्मली हम लोग ओवरसीज बैट्समैन की तरफ ज्यादा जाते हैं, इस साल अगर आप देखेंगे तो आपको टीम में टॉम करन की शक्ल में ऑलराउंडर नजर आएंगे, टाइमल मिल्स जो हैं हमारे जो ओवरसीज लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, फजल हक फारूकी जो है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, और गस एटकिंसन जो हैं
वो अभी जो है यहाँ पे IELTS में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस दफा हमारे पास जो है ना ऑप्शंस ज्यादा है। मेरे नजदीक एज अ कोच मैं देखता हूँ कि हमारे कम्बिनेशन जो है ना हम डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ कर सकते हैं कि कौन सी टीम खिलानी है, किस ऑपोजिशन के साथ खिलानी है, क्योंकि हम लोग ऑलवेज वी आर डेटा ड्रिवन टीम, तो हमें ये होता है कि मैचअप्स किसके साथ किस टीम के साथ बनेगा और कौन सा प्लेयर हमें खिलाना चाहिए। तो हमारे पास इस साल आई थिंक कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शंस बहुत ज्यादा है और हम उस पर डेफिनेटली जो डेटा और उसको मद्देनजर रखते हुए, वेन्यू को मद्देनजर रखते हुए अपनी टीम की सिलेक्शन करेंगे। रेहान, एक तो T20 का फॉर्मेट, ऊपर से लीग क्रिकेट एट टाइम्स बहुत फनी हो जाती है क्योंकि आप पूरा सीज़न अच्छा खेलते हुए आ रहे होते हैं, आपकी तगड़ी परफॉर्मेंस होती है, आपके सारे पत्ते चल रहे होते हैं, सब परफॉर्म कर रहे होते हैं, फिर कोई एक प्लेयर अपनी नेशनल ड्यूटी पे चले जाता है, कोई एक इंजर्ड हो जाता है, उससे सारा निज़ाम धरम भरम हो जाता है। इसकी भी प्लानिंग इस बार मुझे लगता है आप लोगों ने की है क्योंकि ऑप्शन हमें ऑप्शन बी ऑप्शन सी भी नज़र आ रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा और यार आपने थोड़ा सा मेरे जख्मों पे नमक भी छिड़क दिया ये बात करके, बिकॉज 7 PSL के सीजन में वी फिनिश इन द टॉप 3-5 टाइम्स, तो हम लोग हमेशा अच्छा ही करते हैं। प्लेऑफ्स में वो जो आखिरी स्टेप है वो हम पिछले 2 साल में हम वो जो क्वालिफायर होता है फाइनल से पहले वाला वो 2 साल हार रहे हैं, तो वो स्टेप लेना वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए प्रेपरेशन ऑब्वियसली हमने पहले भी की थी। कोविड ईयर्स में थोड़ी डिफिकल्टी ये होती है कि अगर आपका कोई प्लेयर इंजर हो जाए तो उसको रिप्लेस करना लास्ट मिनट में बहुत मुश्किल हो जाता है, बट दिस दैट्स इजियर टू डू। अगर खुदा ना खास्ता कोई इंजरी होती है तो आप प्लेयर को फॉरन फ्लाइन करवा के लेके आ सकते हैं, वेर एज कोविड टाइम्स के अंदर पहले उनको क्वारंटीन करना पड़ता था, फिर जो लोकल प्लेयर भी आप रिप्लेस कर रहे हैं सिर्फ उनसे रिप्लेस कर सकते थे जो कि वो प्लेयर पूल उस वक्त उस होटल में मौजूद हो जो आपको PCB के थ्रू मिलता है। तो इस साल आई थिंक वो थोड़े चीज़ें, और दूसरी चीज में बहुत मेजर जो चीज है कि अपनी गलतियों से सीखना, और गलतियों से सीखने का मतलब मेरा ये नहीं है, अगेन आई विल कम बैक टू दिस, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि किसी इंडिविजुअल का कसूर है। जब एक टीम जीतती है ना इंडिविजुअल टीम को जिताता है ना इंडिविजुअल टीम को हराता है, तो वो जब क्रेडिट जाता है वो प्लेयर्स कोचेस मैनेजमेंट सबको जाता है, जब हारते हैं हम तब भी सबका कसूर होता है। तो अगेन आई फील कि पिछले साल हमारी जो ऑफ द फील्ड प्लानिंग थी वो थोड़ी बेहतर हो सकती थी, उसमें हमारी अपनी, मैं अपनी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता हूँ इसके अंदर, तो आई थिंक उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं इस साल, और आप देखेंगे कि उसके ऊपर दिस ईयर विल बी इवन मोर मेथोडिकल देन वी बीन इन प्रीवियस ईयर, सो आपको नजर आएगा कि वो चेंज एक वहां पे भी आएगा। एंड देन ऑब्वियसली वन ऑफ T20 वन ऑफ मैच के अंदर तो आप जितनी मर्जी तैयारी कर लें जो मर्जी कर लें, वो वन ऑफ जो प्ले ऑफ वाला मैच होता है वो तो उस दिन जो अच्छा खेला वो उस दिन जीत जाता है। तो लास्ट ईयर एज इन लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी कि तुम लोगों की इतनी इंजरीज हुई थी ये हुआ, मैं उसको बिल्कुल एज एन एक्सक्यूज यूज नहीं करता। आई थिंक लाहौर कलंदर्स बेटर देन अस ऑन द डे एंड दे वन ऑन द डे, इट्स एज सिंपल एज दैट।